हाय गाइस, आज हम दो टाइप की नारियल बर्फी बनाएंगे, वो भी बिना खोया या मावा के। केसरी नारियल बर्फी और चॉकलेट कोकोनट बार्स। इस दिवाली आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। केसरी कोकोनट बर्फी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई या पैन में 3 कप नारियल लेंगे। मैंने यहाँ ड्राई पैकेज वाला नारियल यूज़ किया है और उसे मैंने मिक्सर में चला लिया था। आप फ्रेश कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं, उसे छील लें और उसे 3 कप नाप के मिक्सर में चला लें। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है और याद रहे कि लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें इसको। इसमें अच्छी सी खुशबू भी आने लगेगी थोड़े भुनने के बाद। अब हम इसमें 1/4 कप क्रीम ऐड करेंगे। ये मैंने दूध की मलाई ली है घर की, आप इसमें अमूल फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं और इसे 2 मिनट के लिए हम चला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप दूध ऐड करेंगे। मैंने गरम दूध में 2-3 पिंच सैफ्रन केसर ऐड किया था और उसको मैंने 5 मिनट ऐसे ही रखा और उसके बाद उसमें अच्छे से कलर आ गया, फिर मैंने उसको इसमें ऐड करा। इसको 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे अच्छे से और इसमें अब 3/4 कप शुगर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। हमें इसे लो फ्लेम पर तब तक पकाना है, तब तक चलाते रहना है जब तक ये हल्का सा ड्राई ना हो जाए और ये हल्का सा कढ़ाई छोड़ने ना लगे। अभी मिक्सचर बिल्कुल तैयार है, ये हल्का सा ड्राई भी हो गया है, अब हम इसे सेट करेंगे। करने के लिए आप ऐसी कोई डिश ले सकते हैं या आप एक प्लेट भी ले सकते हैं, उसके ऊपर पार्चमेंट पेपर लगाएं। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप उसे बटर या घी से भी ब्रश कर सकते हैं। पार्चमेंट पेपर लगाने के बाद उस पर थोड़ा सा घी लगाएं। अब हम इस पर अपना मिक्सचर ऐड करेंगे। आप कोई भी स्पैचुला या कोई भी फ्लैट चम्मच की मदद से आप इसे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दें। इसके ऊपर गार्निश के लिए आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, आप बस उन्हें चॉप करें। आप इस पे बादाम, पिस्ता या कोई भी ड्राई फ्रूट, आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं चॉप करके, और इसमें आप थोड़े बहुत केसर के स्ट्रैंड्स भी ऐड कर सकते हैं। इसे हल्का सा प्रेस कर दें जिससे ड्राई फ्रूट्स भी सेट हो जाए। अब आप इसे फ्रीज कर सकते हैं 40 मिनट के लिए या फ्रिज में डाल सकते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। सेट होने के बाद आप इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, मैं डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। और लीजिए, हमारी ये बर्फी बिल्कुल तैयार है। अब चॉकलेट कोकोनट बार्स बनाने के लिए हम ऐड करेंगे 3 कप डेसिकेटेड कोकोनट। मैंने उतना ही कोकोनट लिया है और इसको हम चला लेंगे अच्छे से, 2-3 मिनट तक रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप फ्रेश क्रीम या अमूल फ्रेश क्रीम, 1/2 कप मिल्क, ये मैंने प्लेन मिल्क यूज़ किया है, 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें ऐड करें 1/2 कप चीनी और इसे तब तक चलाएं जब तक ये हल्का सा ड्राई ना हो जाए और ये देखिए कढ़ाई को हल्का सा छोड़ने ना लगे।
अब इसे सेट करने के लिए हम उसी तरह एक डिश में एक पार्चमेंट पेपर लगाएंगे और उसे घी से ब्रश कर लेंगे। और मिक्सचर को हम अच्छे से एक स्पैचुला की मदद से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इसकी चॉकलेट लेयर तैयार करेंगे। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए हम एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे। हम ये डबल बॉयलर का मेथड यूज़ कर रहे हैं। अब इसके ऊपर एक हीट प्रूफ बोल रखें, आप इसमें स्टील का बर्तन भी रख सकते हैं ऊपर, और उसमें 100 ग्राम चॉप डार्क चॉकलेट ऐड करें। ये मैंने अमूल डार्क चॉकलेट ली है। 1 मिनट बाद उसे हल्का सा मिक्स कर लें और उसमें 2 टीस्पून बटर ऐड करें। इससे अच्छी शाइन आएगी हमारे गनाश में। इसे आप चलाते रहें, ये 2-3 मिनट में बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। इसमें आप चाहे तो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे पतला करने के लिए हम 1/2 कप दूध ऐड करेंगे। हमें इसे पतला ही रखना है जिससे कि अच्छे से स्प्रेड हो जाए हमारे बर्फ़ी के ऊपर। इसे अच्छे से चला लेंगे। अब जो बर्फ़ी हमने साइड में रखी थी, आप उसके ऊपर ये पूरा पोर कर दें और एक स्पैचुला की मदद से उसे इवनली स्प्रेड कर दें। इसे डेकोरेट करने के लिए आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। उसे आप चॉप कर लें। ये मेरे पास कुछ गोल्डन स्प्रिंकल्स थे, मैंने उसे मेल्ट करके हल्का सा उस पर स्प्रे कर दिया। अब हम इसे 1 आवर के लिए फ्रीज़ करेंगे या 3 से 4 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे। अभी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब आप इसे अपने मनपसंद शेप में कट कर लें और लीजिए, हमारे कोकोनट बार्स बिल्कुल रेडी है। देखिए कितने सुंदर बने हैं ये, और ये बहुत अच्छे से सेट भी हुए हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।